बोलो सियावर राम चंद्र की जय। ओम श्री गजानने महा। बोलो सियावर राम चंद्र की जय। तो आइए दोस्तों, संपूर्ण रामायण कथा हिंदी में चल रही है और हम श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में चल रहे हैं, जहां पर भरत जी, भक्त भरत जी श्री रामचंद्र जी को वापिस अयोध्या लाने के लिए चित्रकूट की तरफ निकल जाते हैं। नाथ सूरद सुठी सरल चित, सील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जी, जानिए आप समान। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले हैं। सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार है। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए, धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सीढ़ी चढ़ जाती है। लक्ष्मण जी बड़े ही क्रोध रूप में श्री राम जन जी से अपनी बात कहते, आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं, श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई रणसैया पर सोएंगे। वैसे ही भरत को सेना समेत तो छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मारूंगा। लक्ष्मण जी बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं, बहुत अधिक उनके मन में, उनकी रगों में युद्ध का प्रताप दौड़ने लगता है। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया देखकर उनकी प्रमाणिक सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और श्री रामचंद्र जी से वंदना करने लगते हैं। क्या कहते हैं? भरत ही होई न राज मधु, विधि हर हर पद पाई, कबहु की काज सई के रानी, चीर सिंधु बिन सान। वहां पर जैसे जैसे जहां जहां श्री रामचंद्र जी ठहरे थे उन पर फूल चढ़ाते हैं और बड़े ही कोमल वचन बोलकर बोलते हैं कि यहां यहां पर मेरे प्रभु श्री राम जी रुके थे, लेटे थे, तो इनको नमन करना हमारा कर्तव्य है और हमारी भक्ति है। श्री राम चरित मानस। बादल छाया करते जाते हैं, सुख देने वाली हवा सुंदर बह रही है और रास्ते में हर तरफ सुखदायक मौसम बना हुआ है। ऐसा तो श्री रामचंद्र जी के लिए भी नहीं हुआ था। पृथ्वी ने भी कोमल होकर मार्ग में फूलों को बिछा दिया ताकि भरत जी को पैदल चलने में कोई कठिनाई ना हो। लेकिन यहीं पर इंद्रदेव अपने मन में विचार करते हैं कि अगर श्री रामचंद्र जी को भरत जी वापिस लेने लेकर आने में सफल हो गए तो हमारा तो सारा काम बिगड़ जाएगा। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए मुझे कोई हल, कोई छल ढूंढना पड़ेगा। लेकिन इनके मन के प्रसंग को जानकर वहीं पर बैठे हुए बृहस्पति देव जी मुस्कुराए और उन्होंने हजारों नेत्र वाले इंद्र से कहा कि हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया ना करना। वहां तो आपने उनके साथ माया की थी तो चल गई, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर आपने श्री रामचंद्र जी के भक्त के प्रति कोई माया दिखाई तो उनका क्रोध आपको बहुत पछताना पड़ेगा, उनकी जो सोच है वो बदल जाएगी और आपके लिए बहुत नुकसान होगा। तो हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात अपने मन से निकाल दे।
ऐसा करने से लोकों में अब यश होगा और परलोक में दुख होगा और शोक का सामना दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। कहते हैं ना कि अगर कोई सेवक को दुख पहुंचाए तो उसके मालिक को, उसके भगवान को जिसको वो मानता है, बड़ा दुख होता है। राम भगत परहित निरत पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते जनि डर बहु सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं, वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं, फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल भी छल ना करना, उनसे डर के रहना। बृहस्पति जी ने उनको, देवराज इंद्र को ये सब बातें सुना दी, और सुनाने के बाद रघु पर बरन बेलो की बर बारी समेत समाज, होत मगन बारी दी बिरह चढ़े विवेक जहाज। अर्थात श्री रघुनाथ जी के रंग को सुंदर जल सुंदर जानकर, जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का ये श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए, और उन्होंने पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। उस दिन यमुना के किनारे निवास किया। फिर सवेरे उठकर उन्होंने सभी को साथ लेकर माता प्रजा और ब्राह्मण समाज निषाद राज की सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके वे नदी के किनारे से सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई फिर चल दिए। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। मगवासी नर नारी सुनी धाम काम तजी धाई, देखी सरूप सने ही सब मुदित जन्म फल पाई, मुदित जन्म फल पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम छोड़कर दौड़ पड़े, और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल आनंदित पाकर चल दिए उनको देखने के लिए। श्री रामचंद्र जी के तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वही भरत जी के शील स्नेह और सौभाग्य की सराहना करके चल देते हैं। चलत पया देखात फल पिता दीन तजिरादि, जात मनावन रघुबर ही भरत सरिस को आजू। यह सब देख ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते हैं, और फलाहार करते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज और कौन दूसरा व्यक्ति होगा इस सृष्टि। भरत दर्शु देखत खुलेऊ मग लोखन कर भागू, जन सिंगल भासिन भयउ विधि बस सुलभ प्रयागू। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देव योग से सिंगल दीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया। उनमें से जिस तिम से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी श्री राम जी और जन जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर अपने जन्म का फल पाते हैं। बहुत सुंदर धोया है। तेही पासर बसी प्रतही
चले सुमिरि रघुनाथ, राम दर्श की लालसा, भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चल दिए, साथ सबके सब सेवक लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा जगने लगी। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसे मग्न हैं मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या लौट चले हैं। बहुत सुंदर भरत प्रेम ते ही समय जस तस कही सकई न सेसु, कि अभी ही अगम जिमी ब्रह्मा सुखु अहम मलिन जनेसु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते, कवि के लिए तो वैसा कहना सक्षम ही नहीं है। जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद है, उधर श्री रघुनाथ जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा कि श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी कि मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं, प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है, जल रहा है, तड़प रहा है। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं, सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा है। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोचने छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश में पड़ गए। लक्ष्मण भी यह स्वप्न अच्छा नहीं मानने लगे, कोई भीषण सुसमाचार बहुत बुरी खबर सुनवाएगा, ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरु नैन तुलसी भरे सनिहि जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। एक छंद है बहुत अच्छा है। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे उत्तर दिशी देखत भय, नब धुरी खग मृग भुरी भागे विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारण काचित सचकित रहे, सब समाचार की रात कौलनी आए ते ही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री राम जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम आ गए हैं। तुलसी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे क्या कारण है, वे चित्त में आश्चर्य चुप्त हो गए। उसी समय कौल भीलो ने आकर यह समाचार सुना दिया कि भरत जी सभी प्रजा सभी अयोध्या वासियों को माताओं को गुरुओं को ब्राह्मणों को लेकर इधर आ रहे। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ भी भारी चतुरंगिनी सेना भी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ, इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहरने के लिए कोई स्थान ही नहीं पा रहे हैं। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कहता हूँ, सेवक समय पर ठिडाई करने से ठीड नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तो मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना है कि हे स्वामी आप सर्वज्ञ सुमे श्राम श्रोमणी हैं, मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूं, क्योंकि यह सब समाधान समाचार सुनकर भरत
साधु और सियाने हैं तथा मेरे कहने में लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपनी नियुक्ति कहने लगे। नाथ सूरद सुठी सरल चित सील स्नेह निधान सब पर प्रीति प्रतीति जिहें जानिए आप समान। हे नाथ, आप परम सुरद बिना ही कारण परम हित करने वाले हैं, सरल हृदय तथा सील और स्नेह के भंडार है। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं, परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश आपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति प्रायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु के चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। शशि गुरु तिये गामी न घुसु चढ़े भूमि सुर जान लोक वेद तय विमुख भा अधम न बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ राजा नहुसी ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वैन के समान नीचे नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की जो राम जी को ऐसा है जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाए। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। कहते हैं उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री राम जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोलते हैं, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है, आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रह जाए। जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है तो क्या कहते हैं, छत्री जाति रघुकुल जन्म राम अनुक जग जान लात हमारे चढ़त सिर नीच को धुरी समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का अनुगामी सेवक हूं यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सीढ़ी चढ़ जाती है। लक्ष्मण जी बड़े ही क्रोध रूप में श्री रामचंद्र जी से अपनी बात कहते हैं, आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई रणसैया पर सोएंगे। अच्छा हुआ सो सारा समाज आकर एकत्र हो गया है, आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा, जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मारूंगा। लक्ष्मण जी बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं, बहुत अधिक उनके मन में उनकी रगों में युद्ध का प्रताप दौड़ने लगता है। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया देखकर उनकी प्रमाणिक सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और श्री रामचंद्र जी से वंदना करने लगते हैं। क्या कहते हैं, भरत ही होई न राज मधु विधि हर हर पद पाई कबहु की काजी सही के रानी चीर सिंधु बिन सान। अयोध्या के राज्य का तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का है। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है।
श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बहुत क्रोधित पाकर हमको क्रोध शांत करने की कोशिश की। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा छोड़ दे, लेकिन भरत जी कभी अपने पद से भ्रष्ट नहीं हो सकते हैं, भरत अपने रास्ते से भटक नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने बहुत तरीके से उनको समझाया और समझाने के बाद उस समय सुनी रघुबर भानी विभुत देखी भरत पर हे तू सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निके तू। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवतागण की सराहना कर रहे थे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कोई नहीं है। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनी, अत्यंत सुख माया जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। भरत जी चित्रकूट पहुंच गए और मंदाकिनी में स्नान किया। भरत जी अपनी माता की केकई की करनी को समझकर सकुचाते हैं और मन में करोड़ों कुतर्क करते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं, वे मेरे मुझे दर्शन ना दें, ये सब बातें सोच सोच कर वो मन में परेशान होते हैं। बहुत सुंदर दुआ है, मातु मते महुमानी मोही जो कछु करही सो थोर अगलब गुन छमिया दरही समझी आपनी ओर। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर विरद और संबंध को देखकर, मेरे प्रेम स्नेह को देखकर, मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर करेंगे। इसी कामना के साथ मंदाकिनी में स्नान करके भरत जी अपने को मांगते हैं कि मुझे बस यही चाहिए। लगे होन मंगल सगुन सुनी गुण कहत निसाधु मिठही सोच होई हरसु पुनी परिणाम विसार। मंगल शकुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगे, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख ही होगा। भरत के सेवक के सब वचन सत्य जाने और आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों को समूह देखा तो भरत जी अपने आनंदित हुए, बहुत आनंदित हुए और मन मानो कोई भूखा अच्छा भोजन प्राप्त कर गया हो। तो भरत जी चित्रकूट में आश्रम के पास पहुंच जाते हैं। इससे आगे का वर्णन हम अगले भाग में लेकर आएंगे। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय।